गाइस, सबसे जो अमेजिंग सेक्शन जो मुझे लगता है ना फाइव रियल मॉल के अंदर, वो है क्रॉकरी। आप देखें, पांच रियल में आपको बेहतरीन जो है बर्तन मिल जाते हैं। जो भी सऊदी अरब के अंदर नया आता है, यानी मैं बैचलर्स की बात कर रहा हूँ खुसूसी तौर पर, या वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ को विज़िट पर लेके आते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है कि वो यहाँ से जो है एक चीप किचन स्टफ्स अपनी ले सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत मुनासिब होती है और आपको यहाँ पर कांच में, प्लास्टिक में और स्टील में तमाम किस्म की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। So many promises, this world gave me nothing but some false hope. Lost soul chasing after dark roads. बहुत बेहतरीन चीज़ नज़र आई है, देसी मिट्टी के बर्तन। और यहाँ ऐसा जैसा आप देख सकते हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं ये। जो लोग अभी भी मिट्टी के बर्तन में खाना पसंद करते हैं, वो यहाँ से अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ चुका हूँ प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक के बर्तन हैं वहाँ आ चुका हूँ, और ये सब प्लास्टिक के बर्तन हैं। दे आर नॉट बैड एक्चुअली, आप घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेरामिक है और ग्लास का लिड है, तो नॉट बैड, पाँच रियाल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है ये। आगे आपको और गिलास के जो है बर्तन दिखाता हूँ मैं। तो ये है भाई पूरा क्रॉकरी सेक्शन, जहाँ फुल ऑफ वैरायटी एंड फुल ऑफ रेंज आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर। ये वाला देखिए समझ आया मुझे, ठीक है ले लो फिर, डन है। ये हैं स्टोरेज बॉक्सेस एंड बास्केट्स, जो किचन वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। As you can see this, ये आप फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टोरेज बॉक्सेस। और सामने की तरफ दिया हुआ है कप्स एंड ग्लास सेक्शन, तो यहाँ कांच के कप्स रखे हुए हैं। ये है गिलास सेक्शन, और दे आर नॉट बैड एक्चुअली, यू नो, इन फाइव रियाल यू आर गेटिंग फोर पीस ऑफ सेट। ये है गिलास सेक्शन, आप जिस तरह देख सकते हैं गिलास रखे हुए हैं ये सारे। ये हैं वाइन ग्लास, जो के अवेलेबल हैं पाँच रियाल में तीन। ओके, सो लेट्स मूव। जिस तरह आप देख सकते हैं ये ग्लास, ये सब पाँच रियाल में अवेलेबल हैं, पाँच रियाल के तीन ग्लासेस का सेट बना हुआ है। अच्छा जी, हम आ चुके हैं ब्यूटी सेक्शन के अंदर, और यहाँ कॉम्स वगैरह अवेलेबल हैं, कंघे अवेलेबल हैं, और कुछ लेडीज़ बैग्स अवेलेबल हैं। एज़ यू कैन सी, ये लेडीज़ कैचर्स हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं और क्या है अवेलेबल। ये कुछ नेकलेस वगैरह है, हार वगैरह है। ओके, ये आ गया है, यहाँ पर भी बच्चों की पोनी वगैरह दी हुई है। ये हम आ गए हैं लेडीज सेक्शन के अंदर, और यहाँ लेडीज स्लीपर्स दी हुई हैं। इस वॉल पर कैचर्स लगे हुए हैं औरतों के,
तो ये ख़वातीन का सेक्शन है बेसिकली। अच्छा जी, हैंडमेड जो रग्स वगैरह होते हैं वहाँ हम आ चुके हैं और हमें भी कुछ लेना है अपने लिए, तो यहाँ देखते हैं कुछ। ये है रखे हुए कुछ रग्स, तो लेट्स सी हमारी जोजा शरीफ कौन सा डिज़ाइन पसंद करती हैं। अच्छा जी, ये डिज़ाइन फाइनल हो गया है। अब गाइस ये सीन है यहाँ पर, अब ये जो लिया है हमने रग कारपेट बेसिकली बहुत काम आ जाता है, कहीं आप बाहर जाओ तो आराम से इजीली आप रख के इसको इजीली बैठ सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं होम डेकोरेशन का सामान मौजूद है। अच्छा जी, बेगम ने एक बाथरूम के लिए ये स्टैंड लिया है और बड़ा ख़ूबसूरत स्टैंड है, प्लास्टिक मेड है ये। यहाँ पर भी कुछ होम डेकोरेशंस वगैरह अवेलेबल हैं, फ्लावर्स वगैरह एज यू कैन सी। एज आई हैव टोल्ड यू रुहाब, शी इज़ क्रेजी अबाउट पर्पल कलर। यहाँ उनको पर्पल कलर के फूल मिल गए हैं। रुहाब, हाउ इज़ फ्रेग्रेंस, चेक करें ज़रा, जाली एक्टिंग चेक करें रुहाब की। प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फूल है, इसमें से भी नेस खुशबू आ रही है। लायर, देयर इज नो फ्रेग्रेंस, आई नो। जाओ रख दो, जाओ रख दो जाके। नो नो, कीप देम बैक रुहाब, कीप इट बैक। चलो जी, ट्रॉली में जा रहा है ये भी। बेटा ये अगर बाबा ने हर चीज़ ये परचेज़ करके ट्रॉली में डालनी शुरू कर दी तो बाबा का जो है ये कार्ट खाली हो जाएगा। हु विल गिव मी मनी, मैं आपको मम्मा की वॉलेट में दे दूंगी। पर्पल भी डाल दिया आपकी बेटी ने। अब ये मामा और बेटी का झगड़ा हो रहा है। बेटी जीत गई है। So many promises, this world gave me nothing but some false hope. के गाइस, अब मैं आ चुका हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन, जो सामान होता है सालगिरह मनाने के लिए, जो भी आपको डेकोरेशन का सामान चाहिए होता है वो यहाँ अवेलेबल है। एज़ यू कैन सी, ये सारी कैंडल्स वगैरह दी हुई हैं। ये देखें कितनी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं कैंडल्स की। यहाँ भी देखें कुछ कैंडल्स वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ कुछ गिलास जार्स रखे हुए हैं घर की डेकोरेशन के लिए। देखें एक बहुत बेहतरीन ये लाइट दी हुई है। इफ़ आई कैन शो यू लाइक दिस। ओके गाइस, शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम एग्जिट करने लगे हैं यहाँ से। Ball is inside, huh? Ball. She's asking, where is my ball? अच्छा जी गाइस, शॉपिंग हो चुकी है, अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं और चलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। ले लेना कहीं और से दोबारा। हम अगेन बोले बजाय
देंगे। सुन रहे हैं आप लोग इनके प्लान्स, अगेन इनको रियाद बॉलीवुड जाना है और वहाँ से फिर जाके 30 रियाल का एक डिनर चाहिए छोटा सा।